प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से फोन पर बातचीत की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और मंत्री अजय भट्ट से उन्होंने बातचीत की है। प्रदेश में बारिश के कारण पैदा हुए हालात के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली है। तो हाल ही में जो उत्तराखंड में तेज बारिश हुई है, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जताया है। उसके बाद जो हालात एकदम से खराब हुए हैं, कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई हैं, हाईवेज ब्लॉक हैं और कई जगह चट्टाने टूटकर लोगों के घरों पर गिर रही हैं। तो इन हालात के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी ली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने फोन किया। अविनाश से इस पर अपडेट लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अविनाश बताइएगा विस्तार से, क्या जानकारी है आपके पास? क्योंकि क्या अवस्था अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है और मौसम को लेकर तमाम सारी बातें कही जा रही है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बातचीत की है। इसके अलावा नैनीताल से सांसद और केंद्र में मंत्री अजय भट्ट भी बातचीत किए, उनसे भी जाना है कि किस तरीके से नैनीताल का जो लिंक रोड है उसके जो है डिस्कनेक्ट होने की सूचना आ रही है कि बाकी शहरों से वो डिस्कनेक्ट हो गया भारी बारिश के चलते और भूस्खलन के चलते। इन तमाम सारी चीजों को लेकर उन्होंने जानकारी दी किस तरीके से किन किन जिलों में प्रभावित हुआ है और किन किन जिलों में किस तरीके से भूस्खलन हुआ है और केंद्र की तरफ से क्या मदद की जा सकती है, इसको लेकर उन्होंने केंद्र के मंत्री अजय भट्ट और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है और उनको कहा है कि केंद्र से जो भी मदद की जरूरत हो उसको तुरंत बताया जाए जिससे कि केंद्र समय रहते हुए मदद कर सके। ये अपनी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है। जी हाँ बिल्कुल। और फिलहाल जो हालात एकदम से बारिश के कारण खराब हुए हैं, केंद्र की तरफ से किसी भी मदद की जरूरत हो तो केंद्र सरकार तैयार है, ये आश्वासन भी दिया गया है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अविनाश। उधम सिंह नगर से अगली खबर, नानक सागर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। भारी बारिश के चलते डैम का जलस्तर बढ़ चुका है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और उसी से परेशानी बढ़ती जा रही है। डैम का गेट खोलना पड़ा है क्योंकि डैम ओवरफ्लो होने की कगार पर था। उधम सिंह नगर से महत्वपूर्ण खबर, नानक सागर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। बारिश के चलते डैम का जलस्तर बढ़ गया है जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा। भारी बारिश उत्तराखंड में हो रही है और आने वाले समय में भी मौसम विभाग ने यही अलर्ट दिया है। कई जिलों में तो बारिश का रेड अलर्ट है, तो ऐसे में नानक सागर डैम का गेट खोल दिया गया है। ये देखिए डैम की हालत, पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लगभग ओवरफ्लो होने को तैयार और इस डैम का गेट फिलहाल खोल दिया गया है। नानक सागर डैम जो कि लगभग ओवरफ्लो हो चला था उसके गेट खोलने पड़े हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते परेशानी बढ़ती जा रही है। तो उधम सिंह नगर की ये तस्वीर जहां नानक सागर डैम के गेट खोलने पड़े हैं, पानी का जलस्तर किस कदर बढ़ चुका है, खतरनाक स्तर तक ये पानी आ पहुंचा जिसके बाद डैम के गेट को खोला गया।